गली से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों की सही क़ियादत का फुकदान है। आज मुसलमानों के पास ऐसी क़ियादत नहीं है जो दो टोक बात कर सके, हक़ को हक़ कह सके और ना हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। मुसलमानों के दरमियान आज क़ायदीन के नाम पर वो लोग क़ियादत कर रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जो लोग पुलिस की मुखबरी करते हैं, पुलिस अहलकारों की चापलूसी में लगे हुए रहते हैं, सियासतदानों की जी हुजूरी करते हैं, सियासतदानों के जुल्म व सितम को कबूल करते हैं और मज़लूमों के दर्द का अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हुए लोग हैं, वही घूम रहे हैं। वही लोग आज मुसलमानों के क़ायद कहला रहे हैं। मुल्क के हर हिस्से का जायज़ा लें, मुसलमानों की मुस्बित क़ियादत नापेद हो चुकी है। कुछ लोग तंजीमें वो इदारे बनाकर अपने अहलो अयाल और ख़ानदानों को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो तंजीमें वो इदारे बनाकर कुछ लोग लूट रहे हैं। गर्ज़ के मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। इस वक्त जो हालात हम भारत में देख रहे हैं, वही हालात कुछ साल कबल तक फ़िलिस्तीन में देखे जा रहे थे। वहाँ की हुकूमत भी यहूद व नसारा और ईसाइयों के तले काम कर रही थी। बिलाखिर कुछ लोग उठे और अपने बलबूते पर अपनी तंजीमों को मजबूत करते हुए आज यहूद व नसारा के खिलाफ कमर बस्ता हो चुके हैं। जो हालात वहाँ थे, वही हालात आज भारत में हैं, जिसमें मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व सितम और तशद्दुद को रोकने के लिए मुसलमानों की खुद साख्ता तंजीमें, शख्सियात और क़ायदीन हरकत में नहीं आ रहे। उस वक्त PLO जैसी तंजीम फ़िलिस्तीन की ताकतवर तंजीम थी। इस वक्त भारत में मुसलमानों की क़ियादत के नाम पर कई जमातें और तंजीमें बन चुकी हैं। उस वक्त यासिर अरफात जैसे लोग अमन, भाईचारगी, इत्तेहाद और यहूदी मुस्लिम भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे। आज भारत में भी सेक्युलरिज्म, हिकमत और गंगा जमुना तहजीब के साए में कुछ लोग जी रहे हैं। जबकि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज आरा होने के लिए पुलिस के अलावा और भी कई निजी फ़ौजें बनाई जा रही हैं, जिन्हें बजरंग दल, करनी सेना, दुर्गा सेना, हिंदू सेना, हनुमान सेना, VHP जैसी ताकतें आज मुसल्लह होती जा रही हैं और मुसलमान गंगा जमुना तहजीब के नाम पर वक्त ज़ाय कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुसलमानों के इन बदतरीन हालात में मुसलमानों के दरमियान बाशऊर, तालीम याफ्ता, मालदार, बाहिकमत अफराद होने के बावजूद मुसलमानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। एक तरह से चापलूसों, दलालों और मुनाफिकों को मुसलमानों पर राज करने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि ऐसे दलालों और मुनाफिकों की कमर तोड़ने के लिए हर इलाके में 4 लोग काफ़ी हैं, जो अपने तौर पर खुलेआम ना सही खामोशी के साथ मुसलमानों की फलाह व बहबूदी और समाजी इंसाफ के लिए काम कर सकते हैं। कौम का दानिश्वर तबका इस सिलसिले में गौर व फिक्र करें और अपने आप में ऐसे काम करें कि खुद ब खुद दलाल व मुनाफिक टूटने लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि क़ियादत करने के लिए सियासत में ही जाना पड़े, बल्कि सियासत से दूर रहकर भी ऐसे लोगों को तैयार करें जो आगे चलकर मुसलमानों की क़ियादत कर सकें। मालदार तबके का अलमिया ये है कि ये लोग उन लोगों का तआवुन नहीं करता जो हकीकत में काम करते हैं, बल्कि उन लोगों की पुष्पनाही करते हैं जो दिखावा करते हैं, लोगों को फ्रेम में डालते हैं, चंद स्टेज प्रोग्राम करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं। हकीकत में आज काम स्टेजों के ज़रिए से नहीं, बल्कि स्टेज से बाहर करने की ज़रूरत है। नौजवान तबके को ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। गुरबत, बेरोज़गारी और तालीमी पसमानदगी से निकालने के लिए आज कौम के दानिश्वर तबके को काम करने के लिए आना होगा। अगर ऐसा तबका हमारे दरमियान तैयार हो जाता है तो यकीनन दलाल, मुनाफिक और सियासी कुर्सियों के लालची टूट जाएंगे। कुछ हम ख्याल लोगों को लेकर दानिश्वर तबका इस सिम्त में काम करना शुरू करे, यकीनन कामयाबी हक की होगी। खसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।